जय हिंद दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी एंड एग्जामिनेशन में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता था कि आप लोगों का जो आंसर की है ITBP ट्रेड्समैन के आंसर की 11 जनवरी 2021 को आने वाले, जैसा कि आपके एडमिट कार्ड पे लिखा गया था। और आज ही एक नोटिस आ चुकी है आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर, आज है तारीख 12, तो आज आना चाहिए थे कल ही, लेकिन आप लोगों का आंसर की नहीं आई। लेकिन इन्होंने एक नोटिस अपने साइट पर अपलोड कर दिया है, जैसा कि यह साइट आपको दिखाई पड़ता है, और ये नोटिस है। हम इस नोटिस को डाउनलोड कर लेते हैं। तो हमने इस नोटिस को डाउनलोड कर लिया, तो इसमें क्या चीज़ रखी, क्यों नहीं आया आप लोगों के जो आंसर की आज, तो आपको इसी में इन्होंने बताया है। और इसमें सीधा सा इन्होंने यही बताया है कि आपके जो आंसर की हैं अभी नहीं आए हैं, कुछ कारणों की वजह से, जो प्रशासनिक कारण है उनकी वजह से इन्होंने दिखाया, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, जो प्रशासनिक कारण है इसकी वजह से आपके आंसर की आल सीरीज क्वेश्चन पेपर, जो जितने भी आपके रिटन एग्जाम थे उसके कैनेडा अपलोडेड ITBP, यानी कि आप सभी लोगों के जो आंसर किए हैं अपलोड नहीं किए गए हैं। क्यों? कुछ प्रशासनिक कारणों की वजह से। ये क्या कारण, किसके वजह से नहीं है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और उन्होंने बताया कि आपका आंसर की बाद में अपलोड किया जाएगा और आपको बता दिया जाएगा कि आपका आंसर की आ चुके हैं, आपके मेल भी आएगा, आपके नोटिफिकेशन में मैसेज भी आएगा। पहली चीज़ तो ये था कि अभी आप लोगों के नहीं आए हैं, ना तो इसमें कोई डेट दी गई कि आपकी डेट कब आने वाली है आंसर की, इसीलिए इन्होंने जो आंसर की अपडेट नहीं किया। क्योंकि पहली चीज़, बहुत लोग बहुत जगह पे आप सभी लोगों के जो पेपर हैं लीक हुए हैं, कुछ धांधली भी हुई है, बहुत जगह पे आपने देख रखा था, बहुत जगह पे भी नहीं हुआ है, ऐसी बात नहीं किसी किसी सेंटर पे हुआ है, किसी किसी सेंटर पे नहीं हुआ है। तो जहाँ पर नहीं हुआ है वो लोग तो कहते हैं कि भाई नहीं हुआ है, लेकिन जहाँ पर हुआ है वो लोग कहते हैं कि हुआ है, ठीक है। और वास्तव में ये चीज़ हुआ था, और व्हाट्सएप ग्रुप में जो आप लोगों का पेपर सीरीज है उसका क्वेश्चन पहले से आ चुकी थी, बहुत लोगों ने देखा भी था, बहुत सारे अब आपके पास भी वो सीरीज पहुंच रही होगी आपके पास, तो आप भी उसको देख सकते हैं। तो ये धांधली हुआ है, तो बहुत लोगों ने ट्वीट करके वहाँ पर भेजा है कि इस तरीके से धांधली हुआ है। हमने भी आप लोगों से कहा है कि आप सभी लोग ट्वीट करिए, धांधली हुई भाई तो इसकी जाँच की जाए, पुनः इसकी परीक्षा फिर से करवाया जाए, जिससे ऐसा ना हो कि जो लोग पैसे देकर आए हुए हैं उनका सिलेक्शन हो और जो तैयारी किए हैं उनका ना हो पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबका एक समान हो भाई। ये ना हो कि पैसे देकर वो लोग आ जाएं। इसी वजह से क्या है कि अभी बहुत लोग ट्यूट किए हैं, हमने भी ट्यूट किया आप लोगों से। मैंने कल एक वीडियो बनाया था कि आप लोगों से कहा था कि आप लोग 13 तारीख को 11 बजे आप सब लोग ट्यूट करिए, जरूर ट्यूट करिएगा कि हाँ इस तरीके से धांधली हुआ था ऐसा। आप उनको कुछ बताइए, अपने सेंटर का नाम बताइए, यहाँ पर इस तरीके से हुआ था, वहाँ उस तरीके से हुआ। 11 बजे जरूर सब लोग ट्यूट करिएगा कल 11 बजे, ठीक है, सभी लोग ट्वीट करना, ठीक है। तो ये इसी कारण से आप लोगों के ये अभी आंसर की अभी रोक दिया गया है, ठीक है। सबसे बढ़िया मौका है कि इस बार अभी रुका हुआ, तो इस बार हम लोग विरोध करते हैं, वास्तव में ऐसा हुआ है तो आप लोगों का पेपर फिर से होगा। तो कल 11 बजे ट्वीट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, आप सभी लोग 11 बजे आ जाएगा ट्वीट करने, ठीक है, सभी लोग आ जाएगा और हम लोग कल ट्वीट करते हैं। तो अभी आंसर की नहीं आई है, बाद में आएगी, जैसा होता है फिर मैं आपको वीडियोस के माध्यम से बता देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।